close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hi guys, I'm Shania and aap sabka main swagat karti hu mere channel mein, jiska naam hai DesI LadkI. So guys, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है गाइज. आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि हम लोग कैसे पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं अपने. जैसे कि बहुत किसी का यहाँ पे माउथ के साइड में पिगमेंटेशन होती है या कहीं भी वो पिगमेंटेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो या आज के वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ. आप लोग इस फॉर्मूला को वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं आराम से अच्छा रिजल्ट के लिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट के लिए. बाय द वे ये वाला जो है ना, इसका रिजल्ट मिलने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है. किसी किसी को टाइम ज्यादा जल्दी भी लग सकता है, किसी किसी को थोड़ा लेट भी हो सकता है. तो बी पेशेंट एंड अच्छे से इसको अप्लाई करना हफ्ते में 3 बार करके, तो पक्का आप लोग को रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा. सो या गाइज, सो आज का वीडियो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनका नाम है नेहा मेहरा. सो या गर्ल, आपके रिक्वेस्ट में वाला वीडियो में लेके आ गई हूँ. सो चलिए अब वीडियो को देख लीजिए, लेट्स गो. यहाँ पे हम लोग एक फेस मास्क बनाएंगे, उसके लिए चाहिए मुल्तानी मिट्टी, दही, टमाटर, फिर चाहिए हमको हल्दी, यहाँ पे कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी यूज़ करना है, एंड उसके बाद एक लेमन चाहिए. सबसे पहले ये आधा टीस्पून ये आपको लेना है, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा. यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लेना है, फिर दही लेना है, एंड फिर यहाँ पे टोमेटो पल्प लेना है. टोमेटो को ऐसे स्क्वीज करना है, उसके पल्प को इसमें डालना है. फिर यहाँ पे जब टोमेटो पल्प डल जाएगा तो हल्का सा आपको मिक्स कर लेना है इसको. एंड देन मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं, लेमन डालना भूल गई थी गाइस. तो यहाँ पे बाद में अप्लाई करने से पहले मैं लेमन डाल ली थी इसमें. यहाँ पे फिर अपने लेमन डालना है, एंड देन यहाँ पे ये एक चुटकी हल्दी डालना है. सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा गर्म टॉवल से सेक लेना है या फिर स्टीम ले लेना है, एंड देन जो पोर्स है वो हमारा ओपन हो जाएगा. एंड देन हमको जहाँ जहाँ पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर ये वाला फेस मास्क हमको अप्लाई करना है. ये मास्क आप लोग पूरे फेस में भी लगा सकते हैं, मैंने अपने पूरे फेस में ही लगा लिया था. आप लोग अपने सिर्फ पिगमेंटेशन की जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जब ये 70% सूख जाए तो आपको ये टमाटर ले लेने हैं, जो पल्प हम लोग निकाले थे उसको ही थोड़ा सा स्क्वीज करके अंदर का जो और जो रस है उसको, वो रस से अपने पूरे फेस पैक को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है. एंड देन इस टमाटर को रब करना है, टमाटर के से रब करना है अपने पूरे फेस में. देखिए ऐसी तरह सर्कुलर मोशन में रब करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करना है गाइज. ऐसे टमाटर के जो अंदर का जो भी जूस है आपको उससे अपने पूरे फेस में रब करने के बाद, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रब करने के बाद फिर नॉर्मल पानी से फेस को धो लेना है. गाइज ये वाला प्रोसेस आप लोग रात को ही करें, सोने से पहले करके फिर आपको सो जाना है तो आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा. धोने के बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, उसके साथ विटामिन ई कैप्सूल. इसको हम लोग को दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके जहाँ पे हम लोग की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करना है. या फिर अगर पूरा फेस में लगाए हो तो पूरे फेस में भी अप्लाई कर सकते हो. एंड देन अच्छे से अप्लाई करके आपको सो जाना है. ऐसे दोनों को देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ. मिक्स करके ये जो जेल है उसको जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे मैं अपने माउथ के अराउंड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे को भी यहीं पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है.
एंड देन हमको सो जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, लाइक करके वीडियो में लव शो करना एंड नीचे कमेंट करना। जिस जिसको हेल्पफुल लगा वीडियो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, बिल्कुल ना भूले। नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को बस नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। एंड बाय द वे वीडियो को शेयर करना, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा इससे, है ना। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड या गाइस तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।